में दिया गया है कि एक आदमी कुछ टॉफी खरीदता है, एक खरीदता है पहले 1 रुपए की, 1 रुपए की दो टॉफी, यानी कि पहले खरीदता है 1 रुपए की दो टॉफी, फिर खरीदता है कि 2 रुपए की तीन टॉफी वाली, फिर उसके बाद ये सब खरीदने के बाद, और ये दोनों कितनी खरीदता है, एक्स हमने मान ली दोनों इक्वल नंबर की दी हुई कि दोनों इक्वल नंबर की खरीदता है, उसके बाद जो टॉफियां खरीदता है उसको वो 5 बेच देता है, 3 रुपए में 5, ये 3 रुपए की वो कितनी बेचता है, 5। तो हमें उसका प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो बताना है। तो अगर हम मान लें कि हमने 30 टॉफी खरीदी, 30 इसकी खरीदी और 30 इसकी खरीदी, तो पहली वाली टॉफी कितने की हो गई, 15 रुपए की, और दूसरी वाली कितने की हो गई हमारी, अगर ये वाली 30 टॉफी हमारी जो 3 के हिसाब से 2 रुपए की, तो ये हमारी कितनी हुई, 20 की, यानी कि उसने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करा, 35 रुपए का, 15 ये 20, यानी टोटल हो गया हमारा 35 रुपीज, और हमारे पास टोटल टॉफी कितनी हुई, 60। अब हमसे कहा गया है कि उसने 3 रुपए की 5 बेच दी, 60 टॉफी है, तो उसने टोटल कितने रुपए लगाए, यानी कि उसको अगर वो 5 टॉफी बेचा तो 60/5 इतने तो उसके बिके इंटू 3, यानी कि उसने टोटल जो टॉफी है वो 36 रुपीज में बेच दी, और उसने खरीदी कितने में थी, 35 में, तो उसे प्रॉफिट कितना हो गया, हमें ये पता करना है। तो प्रॉफिट हो गया हमारा 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो 1 प्रॉफिट अपॉन इसकी कॉस्ट 35, और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारा आंसर आएगा 2 1/7%, यानी कि उसको इतने का प्रॉफिट हुआ।